बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बासित महमूद के बावर्ची खाना में खुश आमदीद। तो साहब, सब लोग का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस लाइक करने के लिए, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। आप लोग देख रहे होंगे मेरी आवाज़ कुछ ख़राब है, गला ख़राब, नज़ला ख़राब। कराची का मौसम बहुत बुरा चल रहा है, लाइक हर किसी को फीवर कॉफ हो रहा है, डस्ट भी है बहुत ज़्यादा, और मौसम भी दिन में गर्म और रात में सर्द हो जाता है। तो मैंने सोचा कि अभी मैं बना के पीने लगा था कहवा, तो उसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँ। आप लोग भी पिए ताकि आप लोग को भी इस्तेफादा हो और आप लोग मुझे दुआ में याद रखें। बहुत सिंपल सा कहवा है ये, हर कोई बना के पीता ही होगा। किसी की रेसिपी कुछ और होती होगी, किसी की रेसिपी कुछ और होती होगी। तो जिस रेसिपी से मैं बना रहा हूँ, मैं आप लोग के साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोग पीजिएगा ज़रूर, आपको खांसी नज़ला इसमें बहुत फ़ायदा देगा। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने लिया है एक अदरक का टुकड़ा लिया है, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने एक दालचीनी की स्टिक ली है, एक बादियान का फूल लिया है, इससे बहुत प्यारा सा फ्लेवर आ जाता है उसके अंदर। दो मैंने लिए हैं लौंग और दो ही मैंने लिए हैं हरी इलायचियाँ, और थोड़ी सी मेरे पास 4-5 काली मिर्चें हैं, ठीक है। इसके अलावा आधा चम्मच हम सौंफ डालेंगे। सौंफ मैंने निकाली नहीं थी क्योंकि वो दिखाते दिखाते गिर जाती, और नींबू का रस हम एंड में निचोड़ेंगे, और आखिर में आपकी मर्ज़ी है इसको मीठा करने के लिए। आपके पास शहद है तो आप शहद डाल लें, अगर शहद नहीं है तो आप शक्कर डाल लें, ठीक है। चीनी अवॉइड कीजिएगा। तो आइए हम बनाना स्टार्ट लेते हैं। एक केतली ले लेंगे, इसमें तकरीबन 2 कप पानी डालेंगे। जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे हम वो इसमें डालेंगे। आधा चम्मच सौंफ डालेंगे। चूल्हा जला देंगे। अब इसमें बॉईल आने का वेट करेंगे। जी दोस्तों, इसमें बॉईल आने लगा है, हम सिर्फ 2 से 3 मिनट इसे मज़ीद पकाएंगे और फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। जी दोस्तों, इसको 2 मिनट हो गए हैं, अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसे छान लेंगे और सर्व करके आपको दिखाते हैं। जी दोस्तों, हमारा कावा रेडी है। इसके साथ मैंने नींबू रखा हुआ है और साथ मैंने शक्कर रखी हुई है क्योंकि मेरे पास शहद नहीं था। तो हम बिस्मिल्लाह करके पीते हैं। आप कलर देखें, कलर कितना खूबसूरत है माशाल्लाह इसका। मुझे उसका कलर ही बहुत अच्छा लग रहा है, वो देख के तबीयत इतनी अच्छी हो गई है कि बस इंशाल्लाह इससे भी फ़र्क पड़ेगा। मुझे चाय मीठी पसंद है तो मैंने ये वाले 2 चम्मच डाले हैं इसमें शक्कर के। थोड़ा सा हम नींबू भी निचोड़ेंगे। फ्रेंड्स, नींबू इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करता है, विटामिन सी होता है इसके अंदर। तो अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं आप अवॉइड कर दें, लेकिन ये भी ज़रूरी है आपके गले की खराश को ठीक करने के लिए। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। जी दोस्तों, माशाल्लाह से बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आ रहा है। जो हमने बादियान का फूल डाला था उससे एक बहुत ज़बरदस्त सी महक आ रही है इसमें से, हरी इलायची की वजह से, और थोड़ा थोड़ा अदरक का जो एसेंस है वो निकला, से थोड़ा सा गले में चुभन सी फील हो रही है, और काली मिर्च और लौंग से भी, लेकिन वो चुभन अच्छी है। हमारे जो सांस की नाली है या हमारे लंग्स में जो इन्फेक्शन है उसको ठीक करेगी। तो फ्रेंड्स, मैं करता हूँ अपने कहवे को एंजॉय। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ख़ुद भी बनाइएगा, पीजिएगा, घर वालों को भी पिलाइएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो मुझे इजाज़त दे दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।